गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई माई नेक्स्ट न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैं चौक के ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को चौक की मार्केट देखनी थी, कि बहुत की चौक की क्वेरी थी कि चौक पे कैसे सामान मिलते हैं, क्या प्राइस है, चौक मार्केट कहाँ है। तो फाइनली आज हम चौक का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, और तो हमारे साथ बनी रही है और देखिए वहाँ पे कैसे कैसे सामान मिलते हैं, कितने प्राइस के, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है, कैसे इनके मार्केट है क्या। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताऊंगी। और हाँ, अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि मैं, बहुत ज़्यादा कमेंट लोग पूछ रहे थे चौक के बारे में, तो अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो डोंट वरी, मैं इसको दो पार्ट में करके डाल दूंगी। ओके, हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो, बहुत बहुत प्यारी ड्रेस है ना, ड्रेस अच्छी है, बट मुझे सिंपल चाहिए था, ज़्यादा कुछ शोभा नहीं चाहिए, और बहुत प्यारी ड्रेस है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, चाहे जिंदगी। मोहम्मद अली पार्क बोलते हैं यहाँ पे, बहुत फेमस और बहुत कपड़े के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत नामी जमी मार्केट है, मुझे लगता है लावान से अच्छी मार्केट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के कलेक्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे भी आप लेना चाहें। छः सौ से ढाई हज़ार तक, तो मतलब भैया क्या 600 से 2500 तक के पूरे कपड़े आपको मिल जाएंगे। कपड़ा होगा आपका, अच्छा तो ये इस तरह का कपड़ा 600 में। अच्छा, अब बहुत शोवर में लेना, तो ये वाला कितने का आपका, ये जो कौन सा कलर है, अंगूरी कलर, 2400 का, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फुल एम्ब्रॉयडरी है और 2400 का। कितने रेंज से, कितने से स्टार्ट है, कितने तक के? 1000 रुपए से नहीं, स्टार्टिंग कितने से, कम से कम में 1000 से स्टार्टिंग है आपके यहाँ, देखो 600। और ऐसे कुछ फिक्स रेट या मतलब कुछ कम में भी करेंगे अगर लेना हो तो? 50 कम हो जाएगा। नहीं भैया, भैया मुझे बना के दिखा रहे हैं, बट ये येलो फूल बहुत अच्छा लगता है, प्यारा कलर है भैया। ये कितने का है? ये वाला येलो एकदम देख रहे हैं, दिखाइएगा क्या कपड़ा है। मुझे जो कपड़े पसंद आते हैं बहुत चटक, बिल्कुल डार्क कलर के कपड़े मुझे पसंद हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, क्या मुझे ग्रीन कलर का वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो ये पहले मेरे को बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी।
ऐसी जीत चाहे जिंदगी। सर आपकी दुकान का क्या नाम है? वो नाम ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, सीताराम। सर हम तो सलूरी डिपार्टमेंट में नहीं सर, मेरा ब्लॉग है, रीला ब्लॉग के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। तो सर आपके क्या स्टार्टिंग है, मतलब कितने से कितने तक है? 300 रुपए लेकर 5000 रुपए। तीन भैया क्या 300 रुपए से लेके 5000 तक है? अच्छा भैया 300 रुपए कुछ दिखाएंगे क्या? 300 साड़ी दिखा दिया। आप देख सकते हो 300 की साड़ी, 300 में किसी को क्या चाहिए? तो अगर आप चौक में आते हैं तो उनके यहाँ आप साड़ी आप देख सकते हो, इनका सीताराम कामता प्रसाद। मोबाइल नंबर 83 18 101 46। आप लोग आते हैं? समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। 2200 रुपए। भैया दुकान है कहाँ? कितना बताइए? 2 में साड़ी दे देंगे। 2000 रुपए में इनके की जैसे साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा 1300 रुपये की यार, आप बताइए आपको चौक में क्या चाहिए? मतलब ये साड़ी इतनी 1300 रुपये की, ओह माय गॉड, वाकई 1300 रुपये की? अगर ये भैया 1300 रुपये की साड़ी दे रहे हैं तो किसी को क्या चाहिए? ब्लाउज सिला हुआ। अच्छा ब्लाउज सिला हुआ रेडीमेड। भैया दिखा रहे जो कैटरीना कैफ ने लहंगा पहना हुआ था, सभी साची की कॉपी है। देखा आपको मैंने कितनी छोटी दिखा, जो कैटरीना कैफ ने लहंगा पहना हुआ था, मैंने आपको चौक की कॉपी दिखा दी। तेरा अगर एक बार हम लोग बाहर के अंदर फिर पेंटर मारते हैं, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है, यहाँ पे चौक इतनी सारी मारते हैं कि आपको समझ में नहीं आप किधर से आए। जाओ फिर से बात आइए। तो अभी हम हो गए हैं कंफ्यूज, कहाँ से निकले थे कहाँ से फिर से हम बाहर आए हैं और फिर उसके बाद जाएंगे, फिर से एंट्री आगे से मारेंगे, क्योंकि इतनी सारी शॉप है समझ में नहीं आता कि आप कहाँ गए, कहाँ निकले, कहाँ निकल गए। ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस से ज़्यादा ये पटपटा बहुत ज़्यादा प्यारा है। चौक में आओ तो मन लग जाएगा कि पूरा मार्केट ही खरीद, पूरा मार्केट खरीद लिया जाए। बहकी सभी जुरा है, है हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। उनके पास पैसा नहीं बचा है, और उनका कोई व्यक्ति ने पास निकाल लिया है, जिसने भी लिया हो ईमानदारी से ला करके उनको दे दिए, उसी ने उसकी बताई है कि उसने तेरा पहचान लिया है, तेरा उसका वोटों ने पहचान लिया है, जो भी व्यक्ति पत्र पाए हो वो ला करके यही बचे दे। मैं क्या करूं यार, मुझे खुद के प्रति शॉपिंग करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैं क्या करूं, मैं ब्लॉग बंद कर दूंगा। कितना सुंदर लग रहा है एक पट्टा, देखो कितना सुंदर है। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। देखिए अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, जिस बिटिया का बस जिस बच्चे ने निकाला है ईमानदारी से ला करके इसी भंडारे के प्रसाद के ठीक पीछे बिटिया लोग खड़ी है, अब बस देने का कष्ट करने ज्यादा बेहतर होगा,
बंजारे के और सांस फटने के बीच में अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो अपने लिए इतना काम नहीं तो शॉप में ये है महंगे से महंगे से लेके सस्ते से सस्ते लेके आपको एक से सस्ते मिल जाएंगे बेटे, यहाँ बात नहीं दो रुपये लेके दिखा रहे हैं हम। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, किधर से मैं जाऊँ, अच्छे से जाऊँ, अब मैं किधर नहीं ये घूमना पड़ेगा मैं किधर मंगलेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है तो ये है मंदिर आप लोग प्रणाम कर ले जो भी चाहे मांग ले आज नहीं ठीक है भंडारा होता है साल में एक बार होता है साल में एक बार होता है पंडित जी के पास चलते हैं मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ साल में एक दफा भंडारा होता है और हनुमान जयंती पे पूजा होती है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा साल है, जो यहाँ मांग लीजिए वो पूरा हो जाएगा। अभी आप लोग पहुँचा देंगे जो आप और मांगे अपने मन में और पूरा हो जाएगा बहुत बढ़िया सी है यहाँ बड़े बड़े मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी प्रसाद दे दीजिए, चलिए हम लोग भी प्रसाद खा लेते हैं अगर आए हैं प्रसाद ले लें। एक कटोरी में साथ कटोरी से भैया देखो एक प्रेशर कुकर है देखो बोलो भैया बोलो 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 यहाँ के अध्यक्ष कृष्ण भगवान की शर्मानी है। अच्छा, खाना पीना जो है वो उन्हीं की तरफ से है। सार्वजनिक सब दारू की तरफ से है। भैया इनका थोड़ा पत्ता में दे दो। यहाँ के ये
कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आओगे ना, आप आओ टाइम निकाल के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे इतनी सारी शॉप, इतनी सारी गली, आप घूमते घूमते बार बार घूम फिर के एक ही गली में आ जाओगे। इसको कहते हैं भूल भुलैया गली, कह सकते हैं। मैं भी कब से बार बार एक ही गली में आ रही हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, पब्लिक में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट तब धीरे धीरे हो रहा है। पहले तो दादी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, ओके। मैम ये सबको परेशानी करेंगे, बच्चों का नाड़ा बेच रहे हैं। अच्छा बताओ, छोटी नाड़ा है, आप दिख रहे हो ये कितने का भाई, कितने का बेचते हो बताओ मैडम, कितने का नाड़ा है? डर क्यों बात हो जाए, मैडम आपको बता दिए बदनामी ना करिए, बताइए भैया कुछ कह रहे जाएंगे। हम तो फरवरी से हैं, क्या कोई नेट न्यूज़ से आया है? नहीं, न्यूज़ क्या है, दूसरा ब्लॉग। हर एक चौक पर डिमांड कर रहे थे कि चौक की कैसे मार्केट है, क्या कपड़े मिलते हैं, कितने सस्ते मिल रहे हैं, तो आसमान छू रही है। नहीं तो मतलब और मार्केट है ना, जैसे कि आप शॉप में आ जाते हैं, सबसे सस्ता है महीने से महंगा, ठीक है, आपको 300-400 रुपये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको एक से क्वालिटी में अच्छा मिलेगा। मंगल बाजार में आप चले जाओ, मंगल बाजार में यूट्यूब पे। हाँ जी भैया, गुरु जी भैया जल्दी कुर्ती देंगे। ये शॉप में है, ये शॉप सबसे फेमस शॉप है, ये शिवम गारमेंट्स है, ये मालिक है। अच्छा, ये इनके मालिक है, जो बात है साहब, क्या बेचते भैया? अच्छा, बच्चों के कपड़े हैं भैया, शर्मा रहे हैं शायद, बोल रहे हैं कुछ नहीं बेच रहे हैं भैया, पॉकेट मारे मैं भैया, कितना मजाक कर रहे हैं, बोले पॉकेट मारे नहीं, जॉब ही लोग पॉकेट मारे, थोड़ा दूर रहिए पहले। परसों काम ऐसा कर दिया था मैडम, लेक्मी का बना रही है, लेक्मी का ब्लॉग कर दिया, मुझे बोल रहे हैं कि मैं लेक्मी का बना लूं, देखो क्या है। भैया का ब्लॉग बनाते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि लेक्मी की शॉप अच्छा है, शूटर भैया की शॉप का कोई नाम है? हाँ ये भाई, नाम बताना है यार, नाम तुम बताओ। अंसार। अच्छा, अंसार अपनी शॉप है, डेली लगाते हो? हाँ ये डेली लगती है, 11 भी लगाते हैं हमारे, जो भी मार्केट में 400 का है वो आपको यहाँ पर 200 का मिल जाएगा, मतलब कुछ भी सामान है। शाम भी होगी, मैंने कुछ लिया नहीं, एक बार सोच रही फिर से ब्लॉग बंद करके एक बार फिर से मतलब राउंड करूँ और कुछ ले लूँगी एक आध कपड़े और, क्योंकि बार बार मेरा चौक आना होता नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है, मैंने कुछ अपने लिए लिया नहीं, क्या करूँ, सारा टाइम खत्म हो गया। भैया कह रहे हैं यहाँ कभी ले लीजिए, क्या बेच रहे, क्या बना रहे भैया? अच्छा बैगन की पकौड़ी है, आलू की। अच्छा आलू बैगन की पकौड़ी है, भैया रिजल्ट आते कितने बजे, कितने तो अच्छी बिक्री हो जाती है भैया? चलिए भैया के बाद मत है, कम से कम अच्छी बिक्री हो जाएगा, प्रयागराज में बहुत अच्छे बहुत नीट है, काफ़ी अच्छा नेचर है बता। भैया कह रहे हैं कि हमारा क्या बेच रहे हैं भैया? इलेक्ट्रिक सामान बेच रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने बजे कितने बजे लगाते भैया? सुबह 12 बजे लेके 7 बजे तक। अच्छा 12 बजे से, अच्छी बिक्री हो जाती भैया? आजकल तो बहुत कम। अच्छा आजकल बहुत कम, अगर आप लोग देख रहे हो तो भैया प्लीज़ कुछ भी आपको सामान लेना हो तो भैया के आके लीजिए, ताकि भैया की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो भैया आप यही हमेशा लगाते हो? हाँ। तो आप लोग इनको पहचान लो, भैया हमेशा ही लगाते हैं। भैया बताइए कि आप क्या आए हैं सामान ले, अपने बारे में कोई दुकान के बारे में बताइए। हमारा काम यही प्लास्टिक का है, हम लोग कम मार्जिन के बेचते हैं, 2-4 रुपये, उसके बाद भी अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही बहुत हो गई। नहीं तो भैया लॉकडाउन की वजह से भैया परेशान है, और आप लोग आ रहे हैं तो भैया की वजह, भैया के यहाँ से कुछ जरूर खरीदें, ठीक है। चलिए भैया ठीक है, मैं अपने ब्लॉग को यही खत्म करती हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ जो लोग हैं वो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पब्लिक में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको बहुत फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बट ठीक है अब हो गया है, और धीरे धीरे और भी होगा, तो प्लीज़ यार आप मेरी मेहनत पर आपको सिलेक्ट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप लोग
की बहुत डिमांड थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की, मैं आप लोगों के लिए चौक का ब्लॉग लेके आऊँ, तो हाँ मैंने आज वो पूरा कर दिया है, मैंने चौक के ब्लॉग बना लिए हैं और देखा चाहिए होगा कि जहाँ की आपको मार्केट के ब्लॉग चाहिए, जहाँ की मार्केट देखनी पर मंडी में कुछ भी हुआ, अब मुझे कमेंट करना है वहाँ से ब्लॉग बनाऊँ।